क्या हो अगर सुपरमैन और थॉर की फाइट हो जाए, या फिर स्कारलेट विच गॉडेस ऑफ लाइट से फाइट कर ले, और कौन ज्यादा ताकतवर है, कैप्टन अमेरिका या फिर 1602 वाला थॉर। इन्हीं सारे क्वेश्चंस की बात आज हम संडे विद सुपर बैटल में करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। स्कारलेट विच वर्सेस गॉडेस ऑफ लाइफ। अब ये दोनों काफी पावरफुल अपोनेंट से फाइट कर चुकी है। गॉडेस ऑफ लाइफ ने ऑल फादर ओडिन और उसके ओडिन फोर्स को ओवरपावर किया था, वही दूसरी ओर स्कारलेट विच ने डॉक्टर स्ट्रेंज, कामर ताज, एलुमिनाटी और अमेरिका शावेस जैसों को बीट किया है। अब इन दोनों के पास अपने एडवांटेजेस है। हेला के पास विंड मैनिपुलेशन और नेक्रोसॉर्ड फेंकने की एबिलिटी है, और स्कारलेट विच के पास माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस और रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी है। अब क्योंकि हेला एक एस्गार्डियन है, इसलिए हो सकता है कि स्कारलेट विच के टेलीपैथिक अटैक्स इस पर काम ना करे, लेकिन जब हेला अपने ब्लेड्स को स्कारलेट विच के ऊपर फेंकेगी तब स्कारलेट विच भी उन्हें अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से रोक सकती है। सेम ऐसा ही कुछ काहोरी ने किया था। और अगर किसी वजह से स्कारलेट विच को ब्लेड्स लग भी जाते तब भी वो अपने केओस मैजिक से खुद को हील कर सकती है। और ओडिन को बीट करने एक बहुत बड़ी फीट है, बट हेला के पास रियलिटी मैनिपुलेशन का कोई तोड़ नहीं है। और स्कारलेट विच ने हेला की बॉडी को मैनिपुलेट कर दिया तो गॉडेस ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। ओवरऑल गॉडेस ऑफ लाइफ एक पावरफुल अपोनेंट को बीट कर चुकी है, लेकिन सिर्फ रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से स्कारलेट विच इस बैटल में जीत जाएगी। अल्ट्रॉन वर्सेस कैंग। अब अल्ट्रॉन एक वाइब्रेनियम से बना फ्यूचरिस्टिक रोबोट है जिसे प्लैनेट की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन फिर वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो गया। और कैंग भी 31st century से बिलोंग करता है। इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एडवांस है और इसके पास टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज है। अब इस पार्ट का कंक्लूजन डिपेंड करता है कि हम किस वर्जन को लेते हैं। इन तीनों ने तो कुछ नहीं किया, इसलिए इन्हें साइड रखते हैं, पर कैंग द कॉन्करर ने सारे एवेंजर्स को मार रखा है और कई सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय किया है। अब कैंग अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था, लेकिन फिर भी ये एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, और साथ में टेलीकिनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसे एबिलिटीज भी है इसके पास। लेकिन जब अल्ट्रॉन कैंग द कॉन्करर के सामने आएगा तब अल्ट्रॉन इजीली इस फाइट में जीत जाएगा, क्योंकि कैंग के पास अपनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैंग अल्ट्रॉन को इंटरनेट से नहीं हटा पाएगा, और कैंग के पास अपना टाइम स्पेयर भी नहीं है, इसलिए वो टाइम रिलेटेड एबिलिटीज को भी यूज नहीं कर सकता। इसलिए अल्ट्रॉन कैंग द कॉन्करर को बीट कर देगा। पर अगर बात करें ही हू रिमेंस की, तो ये अल्ट्रॉन को बीट कर सकता है। इसके पास अपने टेक्नोलॉजी का फुल एक्सेस है और साथ में टाइम को भी रोक सकता है। और जब अल्ट्रॉन फाइट करने आएगा तब ही हू रिमेंस को अपने टाइम पैड पर सिर्फ क्लिक करना है, जिसके बाद अल्ट्रॉन की बॉडी का टाइम रुक जाएगा। अब इसके बाद ही हू रिमेंस अल्ट्रॉन को स्टैचू बनाकर रखे या फिर वॉइड में फेंक दे, वो उसकी मर्जी है। और ही हू रिमेंस का टेक फ्यूचरिस्टिक है, वो चाहे तो अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटा भी सकता है। लेकिन जब बात आती है व्हाट इफ वाले अल्ट्रॉन की, तो इसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है। इसका एक स्नैप और कैंग सीधा धूल बन जाएगा। जब तक टीवीए में फाइट नहीं होती, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इजीली कैंग के किसी भी वेरिएंट को बीट कर सकता है। रून किंग थॉर वर्सेस गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। अब लोकी सीरीज के बाद से क्वेश्चन मुझे हर रोज देखने मिलता है। अब रून किंग थॉर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, थॉर जिसने रून मैजिक को गेन किया और फिर रैग्नारोक साइकिल को खत्म किया। इस बीच थॉर को कई सारी पावर्स मिली, जैसे रियलिटी मैनिपुलेशन और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखना, और इसने शेडो गॉड्स को बीट किया है जो ओमनीवर्स के वर्ल्ड में रहते थे। लेकिन हमारे पास दो गॉड ऑफ स्टोरीज है, एक एमसीयू वाला और दूसरा कॉमिक वाला। अगर बात करें एमसीयू की, तो ये टाइम को रोक सकता है और साथ में टाइम स्लिपिंग कर सकता है, जिसकी वजह से अब लोकी इवेंट्स को चेंज कर पाता है, और लोकी के वजह से मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइन जिंदा है। अब अगर रून किंग थॉर एमसीयू वर्जन से फाइट करने आता है तो वो इजीली लोकी को बीट कर देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज थॉर सुपीरियर है और थॉर फ्यूचर देख सकता है, तो लोकी के सारे मूव्स ऑलरेडी थॉर को पता होंगे। थॉर चाहे तो एक टच में या फिर थॉर से लोकी का पूरा एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर लोकी को कुछ हो गया तो मल्टीवर्स बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। इसलिए रून किंग अगर लोकी को मारता है तो उसे सारे टाइमलाइंस को पकड़ के बैठना पड़ेगा, बट स्टिल रून किंग थॉर एमसीयू वर्जन को बीट कर देगा। लेकिन जब बात आती है कॉमिक वर्जन की, तो यार रून किंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेसिकली एक दिन लोकी हाउस ऑफ आइडिया में जाता है और वहां उसे स्टोरीज को चेंज करने की एबिलिटी मिलती है। अब लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, शेडो गॉड्स ने लोकी पर अटैक किया था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर लोकी को पता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो कॉमिक से भी बाहर आ सकता है। इनफैक्ट लोकी का ये वर्जन राइटर के लेवल की पावर होल्ड करता है। तो जब रून किंग थॉर और गॉड ऑफ स्टोरीज फाइट करेंगे तब लोकी थॉर की स्टोरी चेंज कर देगा। गॉड ऑफ स्टोरीज थॉर को कभी रून मैजिक गेन करने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से थॉर कभी पावरफुल बनेगा ही नहीं। इसलिए वो अपने थॉर से रून किंग थॉर का एग्जिस्टेंस भी खत्म कर सकता है, और साथ में चाहे तो उसकी सारी पावर्स को लेकर किसी दूसरे कैरेक्टर को दे सकता है। ओवरऑल रून किंग थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो बंदा स्टोरीज को चेंज कर देता हो उसके सामने रून पावर्स किसी काम के नहीं है। इसलिए रून किंग थॉर यहाँ पर हार जाएगा, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रून किंग थॉर किसी सुपर बैटल में हार गया हो, वरना इससे पहले जितने बैटल्स में रून किंग थॉर ने हिस्सा लिया था वो सब में जीत चुका था। कैप्टन अमेरिका वर्सेस 1602 थॉर। अब कैप्टन अमेरिका रेड स्कल से लेकर थानोस जैसे से लड़ चुका है और इसके पास अपने आइकॉनिक शील्ड भी है। और व्हाट इफ में हमने 1602 थॉर को देखा था, पावर लेवल वाइज तो ये सुपर सोल्जर की इक्वली रैंक करता है। अब अगर कैप्टन कार्टर थॉर से फाइट कर सकती है तो कैप्टन अमेरिका भी इजीली फाइट करेगा। इनफैक्ट अल्ट्रॉन और थानोस ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स थे 1602 थॉर के कंपैरिजन में, लेकिन इनकी फाइट काफी लंबे समय तक चलेगी क्योंकि पावर लेवल सेम है। पर थॉर लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है और यही उसके लिए एक एडवांटेज बनेगा। कैप्टन अमेरिका सिर्फ अपने शील्ड और स्ट्रेंथ का यूज करेगा,
जबकि थॉर अपने स्वॉर्ड स्ट्रेंथ और लाइटनिंग पावर्स का भी इस्तेमाल करेगा। और भले ही कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर हो, लेकिन बिजली का झटका उसे भी लगता है। लाइटनिंग की वजह से कैप बहुत बार डिस्ट्रक्ट हो जाएगा इस फाइट में, जिसकी वजह से थॉर को ओपनिंग मिल जाएगी और एक टाइम के बाद थॉर कैप को बीट कर देगा। इसलिए अगर ये फाइट करते हैं तो 10 में से 8 बार थॉर जीत जाएगा। सीजन 2 थॉर वर्सेस सुपरमैन 2013। अब सुपरमैन को तो हम सब जानते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टोनियन और जस्टिस लीग का मेंबर, जिसने जॉर्ड से लेकर स्टेफन वुल्फ और डूम्सडे को मार रखा है। लेकिन ये टॉपिक हमेशा से देखने मिलता है कि सुपरमैन और थॉर में कौन ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली सीजन 2 में हमें 1602 वाला थॉर और क्लासिक थॉर देखने मिला। अब 1602 थॉर एक डीप आउट वर्जन है और इसके पास कोई म्यूनियर भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने स्कारलेट विच को ओप आउट कर दिया था और कैप्टन कार्टर से भी फाइट की थी। अब अगर सुपरमैन इस वर्जन से फाइट करने आता है तो थॉर का ये वर्जन बुरी तरीके से हार जाएगा, क्योंकि इसकी पावर लेवल एक सुपर सोल्जर जितनी है, बस इसके पास लाइटनिंग पावर्स का एडवांटेज है। लेकिन सुपरमैन की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है और स्पीड में भी सुपरमैन बेटर है, इसलिए 1602 यूनिवर्स का थॉर तो सुपरमैन को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंदा कैप्टन कार्टर से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए सुपरमैन को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर हमें देखने मिला क्लासिक थॉर, ये थोड़ा पावरफुल वर्जन था जिसने सिर्फ अपने एंट्री से स्टारलॉर्ड को नॉकआउट कर दिया और योगी स्टोन आर्मी को तो बड़ी आसानी से मार रहा था, और इस वर्जन की स्ट्राइकिंग पावर भी बहुत अच्छी है, पर फिर भी ये वर्जन सुपरमैन को बीट नहीं कर पाएगा। अगर थॉर अपना म्यूनियर सुपरमैन पर रख दे तो सुपरमैन कुछ नहीं कर पाएगा, बट क्लासिक थॉर ने अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया है, इसलिए थॉर सुपरमैन से सिर्फ एक लिमिट तक फाइट कर पाएगा। सुपरमैन को यहाँ पर स्पीड का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है और ये थॉर अपने म्यूनियर के भरोसे ही रहकर फाइट करता है, इसलिए अगर किसी वजह से म्यूनियर को कुछ हो गया तो थॉर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल देखे तो सुपरमैन थॉर के इस क्लासिक वर्जन को बीट कर देगा, लेकिन सीजन 1 में हमें पार्टी थॉर भी देखने मिला था और इसने तो कैप्टन मार्वल को भी बीट कर दिया था, तो क्या ये सुपरमैन को बीट कर सकता है? मेरे ओपिनियन से नहीं, क्योंकि सुपरमैन अब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये थॉर का यंगर वर्जन है जो अभी तक सीरियस होकर भी फाइट नहीं करता है, इसलिए जब सुपरमैन इसके सामने आएगा तब नॉर्मली पार्टी थॉर इसे अंडर एस्टिमेट कर देगा और बुरी तरीके से हार जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो सुपरमैन इजीली व्हाट इफ के थॉर्स को बीट कर सकता है। स्ट्रेन सुप्रीम वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन। अब स्ट्रेन सुप्रीम व्हाट इफ यूनिवर्स का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और डॉक्टर मैनहट्टन वॉचमैन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। इन दोनों की पावर लेवल बहुत ज्यादा सुपीरियर है। ये दोनों अपने डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, टेलीकिनेसिस यूज करते हैं, रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और डॉक्टर मैनहट्टन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है। और स्ट्रेंज के पास भी टाइम स्टोन है तो वो भी फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। पर स्ट्रेंज के पास ज्यादा फीट्स है, जैसे इन्फिनिटी स्टोन से लड़ चुका है, फिर इसने कई सारी यूनिवर्सल किलर्स को पकड़ लिया था, और इसके पास एक डीमन फॉर्म भी है जिसने 10 रिंग्स, स्पेयर गंगनीर और म्यूनियर जैसे पावरफुल वेपन्स को मिटाकर रख दिया, और साथ में एक ब्लास्ट में कैप्टन कार्टर और काओरी को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था। तो अब क्वेश्चन आता है कौन ज्यादा पावरफुल है। अब इन दोनों की पावर लेवल में सिर्फ 19-20 का फर्क है। कुछ चीजों में डॉक्टर मैनहट्टन बेटर है और कुछ चीजों में स्ट्रेंज सुप्रीम। डॉक्टर मैनहट्टन को फिजिकली बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वही स्ट्रेंज के अंदर जो डीमंस है वो उसे डेथ से दूर रखता है। अब वैसे तो इन दोनों की जीतने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है, जैसे डॉक्टर मैनहट्टन किसी तरह स्ट्रेंज से टाइम स्टोन ले ले और स्ट्रेंज की बॉडी के मैटर्स को मैनिपुलेट कर दे तो स्ट्रेंज वही हार जाएगा। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्ट्रेंज के डीमंस ऐसा होने नहीं देंगे। वही दूसरे ओर स्ट्रेंज सुप्रीम किसी तरह डॉक्टर मैनहट्टन की फ्यूचर देखने की एबिलिटी को ब्लॉक कर दे और उसे पॉकेट डायमेंशन में कैद करके फोर्ज में फेंक दे तो यहाँ पर स्ट्रेंज सुप्रीम विनर बन जाएगा। ये दोनों फ्यूचर में देख सकते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के अटैक्स के बारे में पहले ही पता होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन इस फाइट में अपनी स्मार्टनेस को यूज करता है। डॉक्टर मैनहट्टन के लाइव एक्शन वर्जन के पास बहुत कम फीट्स है, इसलिए स्ट्रेंज सुप्रीम को डायरेक्टली विनर घोषित करना सही नहीं होगा, पर फीट वाइज तो डॉक्टर मैनहट्टन को भी हम विनर नहीं बोल सकते, इसलिए डिपेंड करता है कौन किसे ओवर स्मार्ट करता है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए, डॉक्टर मैनहट्टन या फिर स्ट्रेंज सुप्रीम। स्पाइडरमैन वर्सेस शी हल्क। इन दोनों को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि शी हल्क ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट लेवल सुपर विलन से फाइट किया और फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है, जबकि स्पाइडरमैन के पास ज्यादा अच्छे फीट्स देखने मिल जाते हैं। इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है, पर स्पाइडरमैन ज्यादा एजाइल है। स्पाइडरमैन के पास बेटर सूट और वेपन्स भी है, इसलिए फीट वाइज देखो तो स्पाइडरमैन थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके शी हल्क को बीट कर सकता है। क्या होता अगर हेला टेसरेक्ट यूज करते रैग्नारोक के समय? अब हेला को टेसरेक्ट के बारे में पता था लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि हेला को टेसरेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, इसलिए वो बायफ्रॉस्ट की चाबी ढूंढ रही थी। अगर हेला को टेसरेक्ट के बारे में पता होता तो वो स्पेस स्टोन से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती थी और वर्ल्ड्स को कॉन्कर भी कर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि हेला के पास टेसरेक्ट है, इसलिए वो थॉर और वैल्करी से फाइट नहीं करती, वो सीधा नाइन रियलम्स में अपने आर्मी के साथ टेलीपोर्ट हो जाती और एक एक करके सारे रियलम्स को कॉन्कर कर लेती। पर थॉर सब कुछ देखते नहीं रहता, वो सर्टर की मदद से एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता, जिसकी वजह से रैग्नारोक साइकिल खत्म हो जाती और साथ में हेला का पावर सोर्स भी बंद हो जाता। हेला को एस्गार्ड से पावर मिलती है, लेकिन अब क्योंकि एस्गार्ड धूल बन चुका है, इसलिए अब गॉडेस ऑफ डेथ धीरे धीरे करके कमजोर होने लगी और उसकी हीलिंग एबिलिटी भी वीक होना शुरू हो जाएगी। पर अब थॉर हेमडाल की मदद से हेला की लोकेशन पता करेगा और उस रे
रियलम में जाकर हेला को बीट कर देगा। लेकिन अब थानोस वहां पर आ जाएगा और थॉर के सामने स्पेस स्टोन लेकर वहां से चला जाएगा और इन्फिनिटी वॉर की कहानी यहीं से शुरू होगी। What if King Ghidorah fights Surtur? अब King Ghidorah एक स्पेस मॉन्स्टर है, इसलिए क्रिएचर Godzilla की बेस फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके पास तीन सर है, ये उड़ सकता है, मॉन्स्टर्स को अवेकन कर लेता है, अपने तीनों मुंह से एनर्जी बीम शूट कर सकता है, इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी बहुत बढ़िया है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, हरिगेन्स बना लेता है और दूसरों की लाइफ फोर्स एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब अगर बात करें Surtur की तो ये बंदा स्काई फादर और फायर डीमन है जो सेम ओडिन लेवल की पावर होल्ड करता है और साथ में इसके पास इटर्नल फ्लेम है जिससे अपने साइज को मैनिपुलेट करता है और इसके पास एक स्वॉर्ड भी है जो अराउंड 600 से 800 फीट बड़ी है। तो अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में से पावरफुल कौन है। अब देखो इनके बीच साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है, किंग Ghidorah अराउंड 450 फीट बड़ा है जबकि Surtur अराउंड 1000 फीट है, मतलब ऑलमोस्ट किंग Ghidorah से डबल है साइज में। अब किंग Ghidorah Surtur पर कैसे अटैक करेगा, एक तो अपने ग्रेविटी बीम्स या फिर मॉन्स्टर्स को कॉल आउट करेगा, पर रोडन को छोड़कर कोई भी मॉन्स्टर Surtur की हीट को नहीं झेल पाएगा और आखिर में सारे मेल्ट हो जाएंगे। वही दूसरी ओर हमने देखा है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर की चीजों पर किंग Ghidorah की ग्रेविटी बीम्स काम नहीं करती है, तो Surtur को इस बीम से कुछ नहीं होने वाला। ओवरऑल Surtur की हीट की वजह से Ghidorah को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और इसकी स्वॉर्ड से तो पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, किंग Ghidorah तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों फाइट करेंगे तब एक्सट्रीम हीट की वजह से Ghidorah का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और Surtur इजीली इस क्रिएचर को बीट कर देगा। What if Doctor Strange learn Chaos Magic in Infinity War? अब Chaos Magic को सीख नहीं सकते, चितोन एंटिटी की वजह से Scarlet Witch को by birth Chaos Magic use करने की ability मिलती है, बस उसे power का awaken करना होता है। लेकिन अगर Doctor Strange किसी तरह Chaos Magic Infinity War में use करता तो वो Ebony Maw को easily beat कर देता, क्योंकि यार Doctor Strange भी telekinesis use कर पाता और साथ में Ebony Maw के mind को भी manipulate कर सकता था, जिसकी वजह से Thanos और Doctor Strange की fight Titan पर नहीं बल्कि planet Earth पर होती। अब यहाँ पर Doctor Strange अपने reality manipulation से Thanos को अच्छा खासा damage दे सकता था, पर Thanos के पास भी reality stone था इसलिए वो सारे stone का use करके Doctor Strange को beat कर ही देता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता Doctor Strange Infinity War में Eldritch Magic use करते या फिर Chaos Magic, आखिर में उसे हार नहीं था। लेकिन इसी के साथ Sunday vs Super Battle के सारे questions यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कोई questions हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।